यह बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के परिवार और उनके सभी रिश्तेदारों और परिवारों की छतरियां हैं। और ये तालाब है जिसमें कभी पानी नहीं सूखता। ये उनकी कुछ पुरानी छतरियां हैं जो आप देख रहे हैं। ये तालाब है, कई इनमें नई भी है और कई काफी पुरानी समय की हो गई है ये छतरी है। और ये शिव भगवान का बैल है जो जिंदा है, यहीं पे रहता है। यहाँ शिव भगवान का मंदिर है, वृक्ष है, शिवलिंग है, उनके लिए बैठने के लिए स्थान है। ये यहीं पे रहता है, ये शिवलिंग है। और ये फिर छतरी है कोई राजा की। ये दूसरी साइड से छतरियां जो आप देख रहे हैं। और ये एक ऊपर छतरी है जो हमारा दोस्त वो ऊपर जा रहे हैं। ये कुछ सैनिकों वगैरह की छतरियां हैं जो काफी पुराने समय की हैं। ये अलग से है, इनका शमशान भी अलग होता था पुराने समय में। शमशान के चारों ओर दीवारें निकाली गई है, रास्ता भी बनाया गया है। वो यहाँ पे अनगिनत छतरियां हैं, उनके सभी छतरियों पर नाम लिखा हुआ है राजाओं का। ये एक छतरी है, ये कोई बाहरी सैनिक की लगती है जो कि अकेली बनी हुई है बाहर। और ये राजाओं की कितने सुंदर सुंदर छतरियां बनाई गई है जो देखने लायक है। ये देखो कितनी सुंदर कृतियों से इनको संवारा गया है। ये छतरियां महाराजा गंगा सिंह, शार्दुल सिंह, इनके नाम भी लिखे हुए हैं, इनके ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया, यादगार तरीके से। ये श्री डूंगर सिंह जी महाराजा की है छतरी है। और ये श्री महाराजा गंगा सिंह जी की छतरी है, उनको बोर्ड लगा हुआ है एक एक सुंदर पत्थर से निर्मित है। और ये महाराजा लाल सिंह जी, गोविंद कंवर जी, और ये कुछ वो बाई जी साहब जी, महाराज कुंवर सिंह राम जी, ये कुछ छोटे देवर के हैं। ये नवल कंवर सिंह जी और ये महारानी सुखवंती, काफी सुंदर सुंदर छत्रियां हैं। ये वल्लभ कुंवर जी, अनेकों अनगिनत छत्रियां हैं यहाँ पे कि उनकी याद में बनाई गई है। जैसे कि ताजमहल बना है, ऐसे ही इनकी याद में ये छतरियां बनाई गई है उनकी सभी की याददाश्त के लिए। अभी कुछ नई भी छतरियां हैं इसके अंदर। ये पद्मा कुमारी जी है, ये अलग है। यहाँ पे बहुत